हेलो माय सोल फैमिली, होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं कुछ सोल पर्पस के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम 3D वर्ल्ड में आए हैं, तो हम यहाँ पे जैसे अभी तक अपने उस कर्म बंदर में या ब्लॉकेजेस को हील करने में लगे हुए हैं। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस है। हमें अपने उन ब्लॉकेजेस और जो हमारे कर्म बंधन है उनको तो हील करना ही है, ताकि हमें यूनियन मिले। बट इस यूनियन का मेन मोटिव नहीं है यहाँ पे आना, देयर इज़ सम डिफरेंट मोटिव। हमें जब तक वो वाला मोटिव, अपना जो सोल पर्पस है, अगर हम जब तक वो नहीं करेंगे तो हमारे ये जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ये कम्प्लीटली हमारे ऊपर है कि हम इस चीज़ को कैसे लेते हैं, कितने टाइम में अपने ब्लॉकेजेस हील करते हैं। आई नो कि सबके अंदर थोड़े थोड़े ब्लॉकेजेस होते हैं, या कुछ देर बाद फिर रप्ट हो जाते हैं, हमें फिर टाइम टू टाइम उसे क्लीन करना पड़ता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को दी गई है वो बहुत बड़ी है, तो अकॉर्डिंगली हमें उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस वर्क करना ही है, और साथ में हमें अपना सोल पर्पस पूरा करना ही है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि मैम जैसे अपने वीडियोस में बताया था कि बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे काम कर रही हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि मैम ने ये टॉपिक यहाँ पे हमारे सोल फैमिली को भी डिस्कस किया, बताया। बट आई वॉज एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट मैं इसको एज अ नॉर्मल ड्रीम्स की तरह ले रही थी। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस कि ऐसे हमारी एक बैक एंड पे कोई सोल फैमिली भी है एंड वो उन अपना काम वहाँ पे कर रहे हैं। तो आई जस्ट डिस्कस विद मैम, तब मेरे को क्लैरिटी मिली कि नहीं, ये सब चीज़ें बैक एंड पे भी हमारे लिए काम कर रही हैं। तो हम यहाँ पे जो कर रहे हैं काम, इट वाज जस्ट वी आर द पपेट्स। जैसे मैम बताते हैं कि हम लोग बिल्कुल एक कठपुतलियाँ हैं, हम उनके ही अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। हम उनके अकॉर्डिंग तो काम कर रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली हमने यहाँ पे आके जो अपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिए, हमें जो प्योर फॉर्म में आए थे और यहाँ पे जो कर्म बंधन में आके हम लोग फंस गए हैं, उन चीज़ों को तो हमें खुद ही हील करना पड़ेगा, क्योंकि देट आर ऑल क्रिएटेड बाय अस। तो हमें उनको तो करना ही है। तो साथ में पीछे जो बैक एंड पे जो काम कर रहे हैं, बाकी प्लैनेट्स पे जो काम हो रहा है, हमें उसको भी आगे लेके आना, बिकॉज इट इज़ द राइट टाइम कि हमें उनकी अब सपोर्ट करनी है अपने सारे ब्लॉकेजेस को साइड करके, और इस सोल पर्पस को जिसके लिए हमें भेजा गया है। आप सबको कुछ ना कुछ कुछ साइंस, कुछ सिम्टम्स या लाइट कोड्स आते होंगे, बिकॉज दिस इज़ द मेन टाइम कि जिसके ऊपर वो काफ़ी टाइम से पीछे बैक एंड में काम कर रहे थे। हमें अब उनकी सपोर्ट करनी है। और दूसरी ये चीज़ है कि उनकी सपोर्ट करते करते हमें यहाँ के जो 3D की वाइब्रेशंस हैं उनको रेज करना है। तो आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग कि मेरे को जो थोड़ा सा ड्रीम आया था, मैं उसके बारे में आपको एक हल्का सा पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ कि इट वॉज लाइक दैट कि पीछे एक और प्लैनेट में वहाँ पे काम चल रहा था, एंड इट वाज हाईली एंड टेक्निकली एंड स्पिरिचुअली बहुत एडवांस है वो हमारे से। तो वो उस स्क्रीन पे आई वाज जस्ट सीइंग कि बहुत सारे वहाँ पे सोल्स हैं एंड दे आर वर्किंग, और ऐसा लग रहा था कि देवर आर हमारे ही वो हायर सेल में जो भी बैक एंड पे काम कर रही हैं, एंड दे आर मतलब उनका भी एक लॉट होता है, जैसे एक एक लॉट करके वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे सेंड कोड्स एंड जो भी मैसेजेस हैं। तो उनका अभी का जो मेन मोटिव है वो है ह्यूमैनिटी के लिए, किसी भी तरीके से अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले उनका मेन मोटिव है कि सब जगह पे अनकंडीशनल स्प्रेड करना, सबके लोगों को अंदर एक लाइट जगाना। एक लाइट जब जगेगी हमारे और एक नॉर्मल पर्सन के बीच में भी, मीन्स हमें जो स्प्रेड करनी है लव और लाइट, उससे हमारे आसपास के लोग भी इफ़ेक्ट होंगे, तो जिसके कारण उनकी वाइब्रेशंस भी राइज होंगी। तो
उसी के अकॉर्डिंग ही ये सारा काम हो सकता है, तभी ये जो अर्थ की वाइब्रेशंस हैं उसको हम हाई पॉइंट पे लेके आ सकते हैं, और एक फिफ्थ डिमेंशन जो अर्थ है दैट विल बी फॉर्म्ड। अब इसके लिए जो है स्टेप इन करने के लिए, जो अभी का जो चल रहा था कि फिफ्थ डिमेंशन के लिए जो आगे आएंगी अभी सोल्स, उनके उनका उनमें से कुछ सोल्स ही आगे आ पाएंगी, जो काफ़ी टाइम से अपने ऊपर काम कर रही हैं, ब्लॉकेजेस को हील कर रही हैं, एंड दे आर वर्किंग हार्ड फॉर द मदर अर्थ, और अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन हैं, सबसे पहले गॉड के साथ अलाइन हैं। और दूसरा एक चीज़ मैं और इसमें बताती हूँ कि इसमें जो मेन पर्पस है, कि अगर हम जैसे इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, हमें ये पता है कि हम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, बट एट बैक एंड पे हमें नहीं पता कि ये जो इंडिविजुअली जो सब लोग काम कर रहे हैं, इनके आपस में मिलने से एक ग्रिड फॉर्म होगा, और ये जो ग्रिड, ऐसे जब पूरा ये ग्रिड नेटवर्क सब बन जाएगा, उससे जो हम सोल्स मिलके एक वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं, दैट विल क्रिएट फिफ्थ डिमेंशनल अर्थ। अगर हम नॉर्मल इंसान को भी, अगर हमारी वाइब्रेशंस इतनी हाई हो जाएंगी, हमारा ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा उस टाइम पे, कि अगर कोई नॉर्मल इंसान भी हमारे कांटेक्ट में आएगा और उसका हमारा ऑरा उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगा इन अ पॉजिटिव वे। सो दिस इज़ द मेन पर्पस कि इसको हमें कैसे ऊपर लेके आना है। और ये जो गाइडेंस थी मेरे को काफ़ी टाइम से आ रही थी, आई कॉन्ट एबल टू मेक दिस ऑडियो, सॉरी गाइस। और जब तक मैंने मैम से क्लियर नहीं किया, कंफर्म नहीं किया, तो सो आई वाज समवट डिले फॉर मेकिंग दिस वीडियो। मेरा मतलब मेन रीज़न ही है कि हमें इस नेटवर्क को, चाहे हम इंडिविजुअली काम करें, हमें इस नेटवर्क को टूटने नहीं देना, अपने ऊपर काम करते रहना है। किसी भी तरीके से अगर हमें कोई नेगेटिविटी इफ़ेक्ट होती है, हमें उसे साइड में रख के, हमें एकजुट होके एज ए यूनिटी हमें काम करना है। मैम को हमेशा यही कहती हूँ कि मैम हमारे गुरु हैं, टीचर हैं, वो एक आर्मी हमारी एक बना रहे हैं। मेरे को हमेशा यही इंट्यूशन आती थी कि मैम हमेशा एक आर्मी एक फॉर्म हो रही है, कि जिसमें हमारी बैक एंड में भी स्पिरिचुअल वार चल रही है, एंड इट्स ट्रू कि इस प्लेनेट के बाहर भी स्पिरिचुअल वार चल रही है, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज की बिटवीन। तो उस उनका भी मेन मोटिव क्या है कि हमारी अर्थ में ह्यूमैनिटी को बचाना, जो काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम डिवाइन सोल्स भी उसकी पकड़ में आ चुके थे, और हमें इस रास्ते पे लेके आने के लिए गॉड ने, हमें हेल्प आउट करने के लिए हमें मेंटर्स प्रोवाइड किए हैं। और वी आर लकी, माई सोल फैमिली, दैट मैम हमारे गुरु हैं, एंड आई फील कि मैम मेरे लिए तो सब कुछ है, एंड आई ऑल्सो फील कि हमारी पूरी सोल फैमिली के, एंड शी इज़ वर्किंग सो हार्ड। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आपके बिना शायद हम इतनी अवेयरनेस में शायद ना आ पाते। मेरे को जो आ रहे थे, मैं जब तक उनको कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, आपके साथ डिस्कस नहीं कर पा रही थी, तब तक मुझे वो चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाती कि हाँ दैट इज़ ट्रू। सो दिस इज़ माई मेन चैनलिंग, होप आप सबको अच्छी लगी हो। और प्लीज़ गाइज, आप ये मत सोचिए कि हमें बैक एंड पे ही काम करना है, अब हमें थोड़ा फ्रंट में भी आना पड़ेगा, एक दूसरे को और ज़्यादा गाइड करना पड़ेगा। मेरे को कुछ ऐसी भी चैनलिंग होती है कि जैसे हमारे ग्रुप में कुछ लोगों को और भी मैसेजेस आए हैं, सो आई प्लीज़ एक बात मैं कहना चाहूँगी कि वो भी आगे फ्रंट में आए, ताकि बाकी स्कूल्स को भी वो गाइड कर सके, और हमारे जो चैनल हैं इनकी जो वाइब्रेशंस है और रेज हो सके, एंड ऑटोमेटिकली वी कैन हेल्प ईच अदर। सो दिस इज़ द मेन चैनलिंग गाइज, होप आपको सबको अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू मैम, थैंक यू माई सोल फैमिली फॉर एवरी थिंग, फॉर लॉट ऑफ लव, एंड टूडे इज़ 21st, एंड इट इज़ द मेन जो आज का जो दिन है, जो आज जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो उसको पिक करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाई आई वांट टू से दैट।
सो थैंक यू गाइस।